हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षिता एंड आई एम बैक विद अमेज़न हॉल। और बहुत ही अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीजें मैंने मंगवाई है अपने लिए, बिकॉज मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए थी। और इनमें से एक चीज ना मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में यूज भी करके आप लोगों को दिखाऊंगी। सो फटाफट से चलते हैं हमारे हॉल की तरफ। पहली चीज जो मुझे काफी टाइम से चाहिए थी ना, दिस वन इज गोना बी रैंडम। मैं सारे हॉल जितने भी करती हूँ सब रैंडम ही होते हैं, मैं कोई सीक्वेंस में नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले आई गॉट दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम निका के, एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई देयर पैलेट आई शेडो पैलेट सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम नाउ, एंड दिस वन इज इन द शेड बर्थडे केक। ऑनेस्टली मेरे पास एक भी ऐसी आई शेडो पैलेट नहीं थी जो इतनी कलरफुल हो, इतनी ब्यूटिफुल हो। लाइक आई नेवर ट्राइड कलरफुल आई लुक, तो उसके लिए मुझे लगा कि अब इट्स हाई टाइम, यू नो, आई शुड स्टार्ट ट्राइंग डिफरेंट आई लुक्स। सो उस पर्पज के लिए मैंने ये मंगाई थी, और ये अभी खुली नहीं रही है। वीडियोस बनाती हूँ ना, मतलब ऐसे हॉल वीडियो या कुछ भी ऐसी सिट डाउन वाली वीडियोस बनाती हूँ, तो काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन योर लिप्स, मतलब कौन सा लिप शेड है एंड ऑल। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में आपको बता ही दूं व्हाट आई एम वेयरिंग। सो टुडे आई एम वेयरिंग ब्लू हेवन का लश एंड जूसी लिप ऑयल जो होता है ना, वो इन द शेड रेट्रो ग्रूव प्लस टैंगी ऑरेंज, मैंने दोनों को मिक्स किया है। और मैंने जो भी आज बेस मेकअप किया हुआ है ना, वो सारा मैंने मोस्टली ब्लू हेवन का किया हुआ है। लाइक ब्लश भी ब्लू हेवन का है इन द शेड स्पाइसी पिंक, एंड जो मैंने ये हाइलाइटर लगाया हुआ है, ये दो मैंने शेड मिक्स कर रखे हैं ब्लू हेवन के। मूज ब्लशेस जो हैं, सॉरी हाइलाइटर्स जो हैं, एक है रोज गोल्ड शेड में और एक है सिल्वर पिंक में, तो मैंने दोनों मिक्स कर रखे हैं। इतना प्यारा ग्लो देते हैं ना ये, आई डेफिनेटली रीस्टॉक देम, मतलब बहुत ज्यादा यूज भी करने वाली हूँ, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। एनीवे, तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है, और इसके आपको स्वॉचेस शॉर्ट वीडियोस में ही देखने को मिलेंगे मेरे, क्योंकि हॉल वीडियोस में बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। तो इसके स्वॉच वीडियोस अगर आपको देखने हैं ना, तो मैं डेफिनेटली अपनी शॉर्ट वीडियोस में डालूंगी। प्लस जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अब वो इसी पैलेट पर होगी, मतलब इससे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होगा और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। क्योंकि अभी जितने भी मैं मेकअप वीडियोस डाल रही हूँ ना, वो मैं बहुत जल्दी जल्दी में शूट करती हूँ, तो आई नो कि बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, बट अगली बार से जो भी मेरे मेकअप वीडियोज आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के और अच्छे होंगे, एंड अच्छे आई लुक्स मैं क्रिएट करने वाली हूँ। सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली यूज करूंगी। नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस, ये है अमेज़न से प्रेस ऑन नेल्स। नाउ इसका ब्रांड नेम तो मुझे नहीं पता है, बट दिस इज रियली क्यूट। लाइक इस पे जो नेल आर्ट हो रहा है वो भी बहुत क्यूट है, एंड सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी उसके साथ मुझे मिला है ये, लाइक फाइलॉस का पूरा पैकेट मिला है। और इससे मैंने कल यूज करके देखा, आई यूज देम वन ऑफ देम यस्टरडे टू यू नो गिव माय नेल्स सम शेप, एंड दे वर्क अमेजिंगली, लाइक अमेजिंगली। पता नहीं है मुझे कितने टाइम चलेंगे, मैंने एक ही टाइम यूज किया है, बट बहुत आसानी से आप इससे अपने नेल्स फाइल कर सकते हो। सो रियली लाइक दैट। एंड इसके साथ मुझे एक चीज फ्री मिली जो मुझे बहुत क्यूट लगी, आई एम गोना यूज इट। मतलब ये नेल पेंट उतार के ना, मैं जो नई नेल पेंट लगाऊंगी उस पर आई एम गोना यूज दिस। ये मुझे स्टिकर्स मिले हैं बहुत ही प्यारे से, मतलब इस पे पूरा इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हैं कि आप इसको कैसे लगाओगे। तो ये भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी अगर आप लोगों को देखना है तो। बहुत ही प्रिटी स्टिकर्स है, एंड पता नहीं क्यों मैं ना नेल की चीजों से ना बहुत ज्यादा अभी अट्रैक्ट हो रही हूँ। अमेज़न पे इतनी प्यारी प्यारी चीजें मिलने लगी है, लाइक सीरियसली। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस, दिस इज अर्थ रिदम क्लेंजिंग पैड्स। इसको हल्का सा गीला कर लो अच्छे से पानी में, स्क्वीज कर लो, एंड देन जस्ट वॉश योर मेकअप ऑफ। एंड इसमें दो आए थे एक्चुअली, तो एक मेरे बाथरूम में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैं उसे यूज कर चुकी हूँ, और फिर मैंने उसको सूखने रख दिया था। सूखने में इसको थोड़ा सा ऑफकोर्स टाइम लगता है क्योंकि ये पैड है, बट मैंने इससे अपना मेकअप उतार के देखा था, एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि मुझे कोई माइसेलर वाटर या फिर कुछ भी ऐसा यूज करना नहीं पड़ा। सिर्फ इसे आप गीला करो, स्क्वीज करो, एंड यू गुड टू गो, सीधा आपका मेकअप उतर आता है। आई थिंक स्टबन मेकअप भी उतर ही जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस रेने ब्लूम परफ्यूम, एंड ये परफ्यूम बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। मैंने काफी लोगों के रील्स में देखा है कि ये, अब मैं देखो उस परफ्यूम का नाम भूल गई, बिकॉज आई वॉज नॉट रियली इन टू परफ्यूम्स, मतलब मुझे डीओ परफ्यूम लगाना पसंद ही नहीं था। पता नहीं मैं किस टाइप की इंसान थी, मैं यूज करती भी हूँ तो फेस मिस्ट या बॉडी मिस्ट यूज करती हूँ, डीओ परफ्यूम्स बहुत कम यूज कर रहे हैं, बट रिसेंटली मुझे डीओ परफ्यूम लगाना बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है। तो मैंने एक रील में, बहुत सारी रील शॉर्ट्स देखी थी, उसमें बताया था कि एक बहुत ही हाई एंड परफ्यूम है, उसका ड्यूप कहलाता है ये।
सो दिस इज हाउ इट लुक्स. मैंने छोटा वाला मंगाया अभी टू ट्राई, बट मुझे इसकी फ्रेग्रेंस एक्चुअली में बहुत अच्छी लगी. बट इसे यूज मैंने एक भी बार नहीं किया बिकॉज कहीं बाहर जाना ही नहीं होता है एंड मैं बहुत कम ये चीजें यूज करती हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी थी ये चीज, तो आई हैड टू गेट माई हैंड्स ऑन इट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो मैंने मंगाए हैं वो है ये. ये है पाउडर सेटिंग पैड एंड ये आई एम श्योर कि इफ यू आर इन टू मेकअप ये आपने जरूर देखा होगा इसका एड. मतलब ये पाउडर सेटिंग के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है. मैंने अभी तक इसे यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे ये हॉल वीडियो बनानी थी. ओके, सो जो मैंने नेक्स्ट चीज मंगाई है दिस इज इनसाइट्स का हाईलाइटर, क्रीम हाईलाइटर. नाउ इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा एड्स देख रही थी यूट्यूब पे, मतलब हाईलाइटर अंडर 100 rupees एंड आई हैड टू यू नो ट्राई दिस वन आउट. एंड पहले मैंने शेड्स में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि हर यूट्यूब वीडियो में आपको शेड अलग 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 दिखते हैं, तो यू कैन नॉट रियली मेक आउट कि कौन सा शेड आपको लेना चाहिए. तो मैंने जो शेड लिया है जो मेरे पास एक्चुअली में नहीं था, दिस इज सैवेज बाबी 05 एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये आई थिंक डस्की स्किन टोन्स पे बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है. मीडियम स्किन टोन्स पे भी अच्छा लगता है, मैंने यूज किया है. बट मैं ना इसे एज एन आई शेडो भी यूज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है एज एन आई शेडो. सो नेक्स्ट चीज जो मैंने अमेजोन से मंगाई है वो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यूजफुल लग रही है मेरे लिए, दैट इज स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर सेट. मेरे पास लिप लाइनर नहीं था, मैं यूज नहीं करती थी, बट यू नो अभी रिसेंटली मुझे ऐसा बहुत ज्यादा नीड फील होने लगे कि मुझे लिप लाइनर्स चाहिए, मतलब टू गेट दैट परफेक्ट शेप एंड लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी बहुत हेल्प करता है. तो मैंने सोचा कुछ अफोर्डेबल खरीदना चाहिए बिकॉज ऑफकोर्स यू नेवर नो कि कौन से शेड के साथ कौन सा लिप लाइनर आपको जरूरत पड़ जाए. तो मैंने स्विस ब्यूटी का देखा था अमेजोन पे, दिस इज फॉर लाइक 600 अप्रॉक्स एंड दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. एंड इसमें आते हैं 12 लिप लाइनर्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी शेड और मैंने यूज भी करा है. ये बहुत क्रीमी बटरी है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी पर प्लस इतनी अच्छी क्वांटिटी. इन सबके जो स्वॉचेज हैं विथ देयर नेम्स मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ इनकी, तो आप डेफिनेटली वो शॉर्ट वीडियो मेरी चेकआउट करना, तो आपको सारे शेड देखने को मिल जाएंगे एंड यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, नेक्स्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने मंगवाई है अभी Amazon से, I have been trying more and more kajals these days because I am so much into kajals now. Like मैंने start कर दिया वापस से. There was a time जब मैं मेरे high school में kajal daily लगाती थी, but of late I stopped using kajals because मुझे liner look ज़्यादा पसंद आने लग गया था. मैं lower lash line को बिल्कुल खाली रखती थी, but अभी वापस से Indian looks पे मैंने काजल यूज करना स्टार्ट कर दिया. वेर आई एम नॉट यूजिंग अ लाइनर, सो दिस इज वॉट आई गॉट. मैंने मार्स के बारे में बहुत सुना था एंड ये दो काजल इसके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडी चल रहे हैं. सो द फर्स्ट वन इज देयर, ये बोल्ड मैट काजल है बेसिकली एंड दिस वन इज इन द शेड हाई टाइड. ये एकदम जेट ब्लू कलर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे चटक ब्लू. लाइक आई विल शो यू इट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ओ माई गॉड, लुक एट द शेड, कितना एक ही स्वाइप का पिगमेंटेशन है. बहुत ही हाई पिगमेंटेशन है एंड लॉन्ग लास्टिंग डेफिनेटली लग रहा है. स्वाइप करके ही पता लग जाता है कि लॉन्ग लास्टिंग है. सो एक ये शेड मंगाया मैंने इसमें, और इसमें दूसरा शेड जो मैंने मंगाया वो है गोल्डन आर. सो यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर लोअर लैश लाइन, यू कैन ऑल्सो यूज इट एज योर आई लाइनर विच लुक्स वेरी प्रिटी. जो मैं यूज कर चुकी हूँ अपने बर्थडे पे विथ रेड लिप लुक, यू नो आई एम गोना ट्राई इट ऑन यूट्यूब. लाइक ट्यूटोरियल बना सकती हूँ मैं इसका, मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं बट पता नहीं मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स इतने नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. बट दिस इज इन द शेड गोल्डन आर एंड दिस कैन बी यूज इन सो मेनी वेज, सो मेनी वेज. आई शेडो की तरह भी इसे यूज कर सकते हो. ये मैंने डेफिनेटली स्वाइप करके देखा है और मैंने यूज भी करा हुआ है, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है. दिस इज हाउ इट लुक्स, इतना क्रीमी, इतना बटरी है. वन स्वाइप पिगमेंटेशन है एंड दे आर सो अफोर्डेबल. लाइक आई एम सो मच इन टू दीज थिंग्स नाउ. मार्स के प्रोडक्ट्स हैव बीन डूइंग अमेजिंग. सो ये दो शेड्स मैंने मंगवाए थे विच आई हैव बीन लविंग एब्सोल्युटली. सो नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन इज इनसाइट का लिप कलर. दिस इज जस्ट अंडर 100 rupees गाइज. लाइक आई वॉज ब्लोन अवे. MRP ही 99 rupees है इसका एंड द शेड इज बॉम्ब. ओके, सो दिस इज इन द शेड कोकोआ प्लम एंड एप्लीकेटर 99 rupees में इसका एप्लीकेटर. जैसे मेबलिन सुपरस्टे का एप्लीकेटर है ना, बिल्कुल वैसा ही है ये. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ओ गॉश,
सो ऑफकोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी किसी हॉल वीडियो में लिपस्टिक इंक्लूडेड ना हो, मतलब इनसाइड्स की तो मैंने आपको दिखाई दी है, बट ये रेंज मुझे डेफिनेटली ट्राई करनी थी मेबिलीन की. दिस इज मेबिलीन लिक्विड सेंसेशनल मैट लिपस्टिक एंड इसमें मैंने दो शेड्स मंगवाए हैं. एक शेड है, इसका नाम ही नहीं लिखा पर मुझे नाम याद है इसका, दिस इज इन द शेड फ्लश इट रेड. तो ये एकदम चटैक रेड वाला कलर है, मतलब आपको अगर मेरा क्रिसमस गेट रेडी विथ मी वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने यूज किया ये. ये चटैक रेड कलर है, बिल्कुल वो होता है ना ब्लू टोन रेड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वार्म टोन रेड वो है ये, बिल्कुल ओजी रेड कलर. एंड इसी में मैंने दूसरा शेड भी मंगवाया है, आई थिंक दिस इज इन द शेड, सो दिस इज हाउ दिस शेड लुक्स. या याद आ गया मुझे इसका शेड, इसका शेड का नाम है मेड इजी. थोड़ा सा ब्रिक ब्राउन शेड होता है ना, ये उस टाइप का शेड है थोड़ा. तो ये सब चीजें तो थी अमेजोन से. अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने नायका से क्या क्या मंगवाया, क्योंकि कुछ सामान ही है नायका का, तो मैंने सोचा दोनों चीजें साथ में मंगवाई थी तो दोनों कंबाइंड हॉल ही बना देती हूँ. तो पहली चीज जो मैंने नायका से मंगाई वो है ये है एले कलर्स का ब्रॉन्जर. नाउ इट सेज शिमर ब्रॉन्जर है, बट अगर आप यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखोगे ना जाकर के, तो ये ऊपर का शिमर जो है वो हट जाता है थोड़ा सा स्वाइप करते हो, तो अंदर एक मैट ब्रॉन्जर निकलता है विच इज वेरी गुड. बहुत ही वार्म टोन्ड ब्रॉन्जर है एंड आई नीड दिस इन माई लाइफ बिकॉज कॉन्टोरिंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है जितनी मुझे ब्रॉन्जिंग पसंद है. तो एक मैंने ये मंगाया है. नेक्स्ट इज अ चीक टेंट, दिस इज फ्रॉम इलाना, दिस इज इलाना बी टेंट. बीटरूट एक्सट्रैक्ट है इसमें, ग्लिसरीन है, ऑलिव ऑयल है. This product uses natural beetroot pigments. तो इसमें natural pigment है ऐसा कह रहे हैं ये beetroot का. And this is MRP इसकी 875 है, but I think मुझे ये 600 something में पड़ा था. अभी तक मैंने इसे use तो नहीं किया है, but this is how it looks. ये बिल्कुल red लगता है तो मुझे थोड़ा सा I'm a bit skeptical about it, but okay, so it will look good. मतलब रेड दिखता है ये, लेकिन देखो कितना प्यारा शेड है ये, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा. एंड शेड भी मुझे अच्छा लगा इसका काफी स्वाइप करने के बाद. सो दिस इज व्हाट आई गॉट, मतलब मुझे काफी टाइम से मैं अभी यू नो लिप एंड चीक टेंट्स, लिक्विड ब्लशेस, क्रीम ब्लशेस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें इनकी ट्राई कर रही हूँ. वैसे मैंने एक और अमेजोन से नेल सेट मंगवाया था वो मैं ऑलरेडी, बट देन नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन. ऑफकोर्स ये भी मुझे ट्राई करना था बिकॉज विंटर सीजन है, तो यू गॉट अ गेट अ सीरम बेस्ड फाउंडेशन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज आई गॉट इट दिस इन द शेड नूड ग्लो. अब मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि आई थिंक दिस इज गोना सूट मी, लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स. आई थिंक ये मुझे सूट करेगा ये शेड. Like I have become really good in choosing the shades, I can say that. And मैंने Mama Earth का concealer भी मंगवाया है. This is their glow serum foundation and this is their glow serum concealer. So this is in the shade again nude glow. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे cream glow में मंगवाना चाहिए था because एक shade lighter होना चाहिए concealer आपका. इसमें कहते हैं कि vitamin C extract होता है, but ये देखो ये है इसका shade. So the next thing that I got from Nykaa is this. I am trying more and more K Beauty के products now. So ये है K Beauty का आई शेडो स्टिक जो मैंने अगेन अपनी क्रिसमस की वीडियो में यूज करा है ऑलरेडी. मैं हॉल वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई, बट आई थॉट कि वाई नॉट लेट्स जस्ट शो यू गाइज वॉट ऑल आई गॉट, क्योंकि अभी तक बाकी चीजें मैंने यूज नहीं की है. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक एंड दिस इज इन द शेड बेयर मेटल. सो इफ यू आर अ बिगिनर, आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजीली हो जाता है, क्विकली हो जाता है, आपको ज्यादा यू नो मेकअप के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है टू यूज दीज प्रोडक्ट्स. ओके सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज मेकअप रेवोल्यूशन का सुपर डूई ब्लश. अगेन आई यूज दिस इन दैट वीडियो, तो काफी अच्छा है एंड एक्चुअली में डूई है, बहुत ही प्यारा सा हल्का सा शीन और हल्का सा ग्लो देता है आपके फेस को. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड दिस इज इन द शेड फ्लशिंग फॉर यू विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल म्यूटेड पिंक शेड. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस मिस क्लेयर का ब्लशर एंड दिस इज इन द शेड नंबर 20. ये पीचिश ब्लश है, मेरे पास एक भी पीच ब्लश नहीं था तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट गेट दिस वन दिस टाइम. सो ये थोड़ा सा पीची शेड है. मिस क्लेयर के ब्लशेज बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल है, इट्स जस्ट अंडर 200 rupees एंड आई थिंक मिस क्लेयर इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब.
मतलब मिस क्लेयर भी ना गेम में वापस आ चुका है, मेकअप गेम में. ओके, फाइनल चीज जो मेरे नायका हॉल में है, अगेन अ लिपस्टिक, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम मेबेलिन. आई हैव टू ट्राई मेबेलिन लिपस्टिक्स यार, इतनी अच्छे अच्छे रेंजेस है मेबेलिन के लिपस्टिक्स में, लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई देम ऑल. बट मेरे पास अब इतनी लिपस्टिक्स हो चुकी है कि वो काम भी नहीं आ रही है, एंड एक्चुअली मैं ना एक्सपायर हो जाएंगी ना तो मुझे बहुत दुख होगा. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँ अपने लिपस्टिक परचेजेस पे. एनीवे, दिस इज इन द शेड नंबर मोर ब्लश. लेट मी शो यू, बहुत ही प्यारा कलर लगा मुझे, मतलब बहुत ज्यादा. मुझे ऐसा पिंक कलर बहुत टाइम से चाहिए था जो थोड़ा सा वॉर्म हो, मेरे लिप्स पे थोड़ा सा ब्राइट लगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. अल्टीमेट रेंज है ये इनकी, एंड ये बहुत ही यू नो मैट कलर है, ब्राइट पिंक वॉर्म टोन्ड कलर है, विच आई एब्सोल्युटली लव. दिस इज माई काइंड ऑफ पिंक शेड. सो ये था मेरा एमेजॉन एंड नायका हॉल. एंड अगैन पर्पल से मैंने 3-4 चीजें मंगवाई है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियोज में दिखाऊंगी, बिकॉज अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो इसमें से आप चाहते हो कि मैं कोई और प्रोडक्ट आपको ट्राई करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हो. आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज. एंड इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली दे दूंगी. मेहनत बहुत लगती है यार डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने की, बट आई डेफिनेटली गिव यू द लिंक्स बिकॉज दिस इज अ हॉल वीडियो. उसके बाद अगर मैं लिंक नहीं डालूंगी ना तो there is no point in posting the haul video, right? तो आपको कुछ भी चाहिए इनमें से तो मैं definitely link डाल दूंगी. आप directly उस पर click करके product तक जा सकते हो and you can order it. Okay, so मिलते हैं मेरी next video में जो होने वाली है एक बहुत ही beautiful makeup look. So like, share and subscribe and also press the bell icon ताकि मैं next video post करूँ तो आपको notification मिल जाए. Bye bye.